बोले सोनिहाल भारत माता की कोने कोने चो नतमस्तक होण आए पंजाबियो सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावा भैन छोटे बच्चे सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहगुरु जी का खालसा जो 10 मार्च नी रिकॉर्ड तोड़िया पूरी दुनिया के चर्चा से थोड़ा नाम हिस्टरी के सुनहरी अखर च लिखा जी तुसी अपने आप नू वोटा पाईया ने तुसी अपने बच्चों नू वोटा पाईया ने तुसी अपने बजुर्गों नू वोटा पाईया ने तुसी अपने घर के चुल्हे की अग नू वोटा पाईया ने तुसी चंगी खेती नू वोटा पाईया ने तुसी चंगे जीवन पद्धर नू वोटा पाईया ने हुण 70 साल जिहड़े पहला लुटते रहे पांच साल दीआं वारियां बन के उहनां नू तुसी 50-50 हज़ार ते हराया अज असी इत्थे दरबार साहब मत्था टेकिया आशीर्वाद लिया गुरु तो किस्मत बख्शे सानू बल बख्शे जिस मकसद लिए असी निकले हुए हाँ फिर जलियांवाला बाग दे विच शहीदां नू नतमस्तक होए जिहड़े जुलम दे खिलाफ लड़ाई लड़न लई उत्थे इकट्ठे होए सी उस तो बाद दुर्गियाना मंदिर गए आशीर्वाद लिया राम तीर्थ गए आशीर्वाद लिया हुण तुहाडे कोले आ वीरो जिस किस्म का रिकॉर्ड तुसी बनाया 92 सीटा का यह पहला हिस्टरी च पंजाब च कदे नहीं होया सी 8-10 दिन 20 तरीक तो 20 फरवरी तो लैके 10 मार्च तक 20 दिन ये अपना दिल बहलाउंदे रहे किसी की सरकार नहीं आनी ए मिल जाएंगे वो ना कर लेंगे गठजोड़ सानू पता सी कि ये पार्टियां आपस च मिल गई मिलदियां रहन लोग आपस च इकट्ठे हो गए हुण साडे नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए ने बहुत पंजाब नू इन्हां ने टाइम दिता रोड शो किए जिथे जिथे भी मौका मिलिया वीरो ये वो पार्टी है जिहड़ी रामलीला ग्राउंड चो अंदोलन चो निकली हुई है ते वो पार्टी है जिहड़ी अरविंद केजरीवाल जी ने 20-20 दिन भुख हड़ताल करके बनाई है ये वो पार्टी है जिहड़ी खंबे ते चढ़ के पलास नाल जिन्हां दे कनैक्शन कटते सी बिल ना भरन करके वो जोड़ जोड़ के पार्टी बनी है सो वीरो एकता रखियो काम शुरू होण गे पहले दिन तो ही तुसी ये देख लो कि पंजाब दे लोकां दी किन्नी क फिकर है 122 बंदे उन्हां दी सिक्योरिटी घटाई है 403 पुलिस वाले वापस थाणियां च चले गए 27 पुलिस दीआं गड्डियां थाणियां च आ गईआं लोकां नूं लावार छड्डिआ होइआ लोकां नूं कहिंदे ठीकरी पहरे ला लो पर लीडरां दे घरां सामने तंबू ला के बैठे आ पुलिस राखी करदी आ पुलिस तो पुलिस दा काम लवांगे उहनां नूं आपां तंग परेशान नहीं करना वीरो फैसला होया पहले दिन ही फैसला हो जूगा किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे किसी भी सरकारी दफ्तर च
मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी उत्थे शहीद आजम भगत सिंह ते बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगेगी। ये आपदियां फोटो ला लाई चाह पूरे करी जांदे आ, दिल च होनी चाहिए है फोटो, दिल च। हकूमत वो करते हैं, हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आवाज रुक रही है। मुख्यमंत्री साहब ने एक लाइव प्रोग्राम दे विच लिख के देता थी कि चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब के भदौड़ दोनों तो हारूगा। मैं कहता सी, मैं क्या पंजे बादल हारने, जेड़ी बड़े बादल साहब हारे, सुखबीर बादल हारे, हरेश प्रताप गैरो हारे, मजीठिया हारे, जेड़ी मजीठिया की घाट रह गई वो मनप्रीत बादल ने पूरी कर दी, पांच हो गए। तो वीरो हुण आपां 16 तरीक नू सिद्धू भी हार गया, ये तो वो काम है हुण इन्हां दा, जे इंडिया की जे कोई वर्ल्ड कप होवे क्रिकेट दा, क्रिकेट दा वर्ल्ड कप होवे पाकिस्तान दी, सारी गल तां सुण लो, पाकिस्तान दी टीम जे हार जे तां उत्थों दे लोकां नू कहिंदे तुसीं हार गए, वो कहिंदे इंडिया कहिंदा जित गया। समागम है जेड़े समागम पहला राजभवन च महिला च होंगे सी, वो शहीदां दे पिंडां जाणगे खटखड़ गल्लां सौ चुकांगे। 16 तरीक नूं तुहानूं खुल्ला सद्दा मीडिया, मीडिया जिहड़े जिहड़े देखते हैं टीवी इस वक्त, सारे पंजाबियों को खुला सदा बसंती रंग दियां पगड़ां बन के आना है और भगत सिंह की सोच नू सलाम करना है, भगत सिंह के सुपनों की आजादी घर घर पहुंचाने की सहु चुकनी है। सहु कल्ली मैं नहीं चुकनी, सहु तुसी भी नाल ही चुकोगे, सारे मुख्यमंत्री बनोगे। भारत माता की, भारत माता की। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल। आज सुबह हम गुरु साहब जी के सामने नतमस्तक हुए, फिर दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए, राम तीर्थ मंदिर में मन नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग जाके शहीदों के सामने नतमस्तक हुए। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो उसी कमाल कर देता, तुसी कमाल कर दिता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के, पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इंकलाब आ गया पंजाब के अंदर। दुनिया वाले ये तो जानते थे कि पंजाबी इंकलाब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंकलाब, सारे हार गए, सारे हार गए। सुखबीर बादल जी हार गए, प्रकाश सिंह बादल जी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू जी हार गए, मजीठिया हार गए, चरण सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए, आदेश प्रताप कैरो हार गए, मनप्रीत बादल हार गए, भट्टल जी हार गई। आपने किसी को नहीं छोड़ा,
दोस्तों ये बहुत बड़ा इंकलाब है, बहुत बड़ा इंकलाब, और ये पंजाबी कर सकते थे पूरी दुनिया में, और किसी की ताकत नहीं है, पंजाब के लोग ही कर सकते थे। पूरी आप लोगों ने झाड़ू चला दी। मेरे को बहुत खुशी है, कई सालों के बाद आज पंजाब को पहली बार एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। मेरा छोटा भाई भगवंत कट्टर ईमानदार है, ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री भी, अगर हमारा कोई एमएलए भी अगर इधर उधर करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे। कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होगा, गरीबों के ऊपर खर्च होगा, पंजाब के ऊपर खर्च होगा। जितनी गारंटियां दी हैं, सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। कुछ में समय लग सकता है, कुछ में तुरंत हो सकती है, लेकिन सारी गारंटियां पूरी करेंगे। और 16 तारीख को ये शपथ लेंगे खड़खड़ कला में। उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, एक एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। तो जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में भी, चारों तरफ सब लोग, एक एक आदमी को, एक एक पंजाबी को उस दिन खड़खड़ कला आना है। सबको 100 चुकने के लिए भगवंत मान के साथ सब लोग 100 चुकेंगे, सब लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस इनकलाब को आगे लेके जाना है। अब पंजाब का विकास ही विकास होगा दोस्तों। हम रंगला पंजाब बनाएंगे, हंसता खुशता पंजाब, भारत।